अच्युत शरणम अच्युत शरणम अच्युत शरणम सती जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊ अनंत कोटी प्रणाम सहित आज कार्यक्रम आलोचना करुचे छह शह वर्ष तले तालपत्र लेखनी कलिजुगर भविष्य घटनावल को नहीं जो मालिका शास्त्र रचना कर उत्कलीय पंचसखा मानी से मालिकार शास्त्र कथा कलिजुगर भविष्य जाई फुल मालिकारे कहते महापुरुष अच्युतानंद ओड़िए भारत युद्ध उत्कल देश में पुणी होइबो पुणी शिवकल्प नवखंड निर्घंटे अच्युतानंद कहते ये कलिजुगर महाभारत टी ओडिशा भई प्रमाण उत्कल रु सबुत्पत्ति होइबो जहा सब आरंभ हम ये ओडिशार उत्कल रु ही आरंभ हेब बोली मालिकारे महापुरुष लिखते सधियानी अच्युतानंद ठार मालिकार ठार गार समस्ते हाथ मारदेवे कले मंद खेट बसी थी बो घट लग्न धरी मेष शेषरे चलिबे भृगु सुत अरी माने कौन महापुरुष निजे कहिछन बाबू रे यो ठार गार गणना ये कौन छोटिया देने से समस्ते संसार मध्य केमंते जानिबे नर अंगे देह वही गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्त को जाना ना समस्ते जानि नथिबे यार अर्थ ये को अर्थ समस्त करि परिबे नाही ए थारगार ये संकेत काहे कि ना बाना नाम जेणु पतित पावन पतित रे दया हेला बौड़ल पतित रे दया हेला चरा कनारे गरम रहिचि बुझि सुझि धन खेला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बाना को मध्य पचरा कना कह जाए अनेक कहती पचरा कना हुई तो कौन अर्थ ये सुधि जानी आम शुणीचु लोक कथार अनेक मटर शुणीचु शुणीचु कहती पचरा कना कारण पतित को उद्धार करिया से बाना पतित उद्धार बाना सुधियानी तेणु अच्युत महापुरुष कहले बाना नाम जेणु पतित पावन पतित को दया हेला पचरा कनारे गरम रही बुझि सुझी धन खेला मालिका हूँ केवेकार वर्षे दुई वर्ष तलर छह शह वर्ष तलर मालिका शास्त्र छह शह वर्ष तलर मालिका अतीत किंतु तादर को विषय लिखा जाइछ अतीत विषय तादर लिखा जाइछ ना भविष्य विषय लिखा जाइछ पचरा पुरुणा हेले मध्य पुरुणा पोथी गरम जिनस अच्छी माने भविष्य कथा अच्छे पचरा कनारे गरम रही बुझि सुझि धन खेल तेरु समस्ते या खेल पार समस्त को महापुरुष कही ना समस्ते यार अर्थ कर बारण बेल जत आसव जत बारण बेल को बिहन मु बांटी चिन्ह न पारे कहीं आर अर्थ कौन कौ थे कथाटा महापुरुष लिखना शिवकल्प नवखंड निर्घंड मालिका लिखे बारण बेल कहले कौन से प्रथम बुझाक पड़ो बारण कहले शेष बेल अर्थात कहार शेष बेल कलिजुगर युग शेष बेल जिते बारण बेल आसव अर्थात कलिजुगर शेष बेल आसव सेत अच्युतानंद महापुरुष कहते हे रामचंद्र मुझे से समय जन्म होती कलिजुगर बारण बेल को बिहन बांटी चिन्ह न पारे कहीं साधारण लोक मत चिन्ह पारे ना कहीं कलिजुगर ये बार जन अच्युत होलिजुगर बुलवे किए कह मु अच्युत किए कह मु अच्युत से कह मु अच्युत ये कह मु कल्की से कह मु भक्त हाँ कलिजुगर अनेक है आत्मप्रचार कर तेणु बार जन जोटी अच्युत हे से मत के चिन्हबु रे रामचंद्र कलिजुगर तेणु द्वादश अच्युत होइबे भ्रमी नहिबो नहीं भ्रमरे तू पड़ब ना हे रामचंद्र बार जन अच्युत है सप्त तीव चिन्ह कपड़े
तेबे परत जाए सातुटा तीब चिन्ह तीब कहिले कौन ना सप्त फेणी चिन्ह सातटी सप्त फेणी चिन्ह सप्त तीब चिन्ह कपोले जहा कपाल सातटी सप्त फेणी चिन्ह थिबो ताको मु बोली तो जानिबो तेणु सीति पे कहउचंती बारण बेल को बिहन बांटी चिन्ह न पारे कही लक्षे पंचाशी ग्रंथ बुझाई संबल उदय हुई बारण बेल शेष बेले मुझे जन्म हे मोर मालिका शास्त्र को लक्षे ग्रंथ को मुझे जन्म होगी बुझे तेनाली ताले ठारगार गणना अंक गणना ये कौन समस्त संकेत अर्थ कर तेनाली कही महापुरुष ये अंक बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की अर्थ कौन बुझेबा ये संकेत महापुरुष अच्युत जदि निजुक कही जहा कि मुझे लिखुची ए मोर कौन कृतित्व ना कहीना मालिकारे ये ग्रंथ रचना कर लक्षाधिक ग्रंथ रचना कर महापुरुष अच्युत कही पारे गोटे छोटिया नाटी नहीं मु समुद्र पारी हवा चेष्टा कर जो ये शास्त्र लिखी गणई समुद्र बाली समुद्र रु कि बाली मु संग्रह कर लक्षाधिक ग्रंथ रचना करते बाली संग्रह कर जो ग्रंथ मु रचना करी ये मोर निजस्व कृति नुह निजस्व बढ़िया नुह ये मोर निजस्व किसी नुह श्रीहरि करुणा थी कही महिमा आश्रम मो निजस्व ज्ञान नुह निजस्व बुद्धि नुह से श्रीहरि प्रभु करुणा कि मोरे थी करुणा जो मुझे लेखिपारी कारण ये सी मत जहा कई ताहा मु हे रामचंद्र तुमको कहूँ तुम द्वारा संसार कलिजुगर लोक मैंने तरीबे सतर्क सचेतन हे ये मोर कृति नुह यदि महापुरुष इतने लेखिकी कौन ये सब भगवान कृति ताले से जगह आम कौन से अष्टगुजरे सुंदर भाव कहले के तुम्ह सेवा का हूं जानी तुम्ह भकतर सेवा सेवारे सीमान जानी मो पूरी होइली अबा पूरी होइली अबा महाप्रभु पूरी होइली अबा ये ग्रंथ रचना करी महापुरुष निजुक कहुजने प्रभु आपण कर भक्त मुहिपरिबि नै आपणकर सेवक मु नुह आपणकर जी सेवक आपणकर जी चाकर आपणकर दास तार चाकर दास बरंग मते करि दियंतु प्रभु से योग्यता मध्ये मो भीतर नै इति ग्रंथ रचना करी पूजन प्रभु आपणकर भक्त होवार योग्यता मो भीतर नै आपणकर भक्त मु हेइ परिबि नै आपणकर जी भक्त चाकर सेवक तार बरंग सेवक चाकर आपण मते करि दियंतु प्रभु आपणकर भक्त ही पारे तेनाली जने मालिका आमर नुह मालिका आम लेख मालिका महापुरुष अच्युत रचना पंचसखा मान मालिका आ पंचसखा मान कही ये आमर नुह ये निराकार ब्रह्म जहाँ आमको कहते जोग जोगारूढ़ अवस्था जोगर थिबा समय आम जोग साधन बसी बेले से निराकार प्रभु जहाँ आमको कहते आम मालिका शास्त्र आकार तेनालीजानी महापुरुष कहते जे मेष शेष चलिबे भृगुसूत अरी अर्थ कौन मंद क्षेत्र बसी थी घट लग्न धरी मान शनि कुंभ को चली थे ग्रहराज शनि कुंभर थे या परे मेष शेष चलिबे भृगुसूत अरी युद्ध टी के हे कि अठर दिन महाभारत युद्ध कौ मसीहा आम कही दुई हजार बैस रु आरंभ हो सती जाके चलो किंतु कौ मसरे हे ये युद्ध टी से कथा कौन मालिकार महापुरुष लिखिले
କହିଲେ କୋଉ ମାସରେ ହେବ ନା ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତ ଅରି। ମେଷ ଶେଷ କହିଲେ କଣ? ମେଷ ଶେଷ କହିଲେ ଯେ ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ। ମେଷ କହିଲେ ବୈଶାଖ, ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ସମୟରେ ଭୃଗୁସୂତ ଅରି। ଭୃଗୁସୂତ କହିଲେ କି ନା ଶୁକ୍ର, ବୁଝନ୍ତୁ ମାଳିକାର ଧାରଗାର ବା ସଙ୍କେତ। ଭୃଗୁସୂତ କହିଲେ ଶୁକ୍ର, ଭୃଗୁସୂତ ଅରି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କି ବୃହସ୍ପତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ସେତେବେଳେ ଚଳିଥିଲେ ଭୃଗୁସୂତ ଅରି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ବୈଶାଖ ମାସ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ସେଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏକାଳରେ ହେ ଘଟିବ ସକଳ କଥା ହେଲେ ହେ। 2022 ମସିହା ଶନି ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭରେ ଥିବେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭର ନଉନାହାନ୍ତି କି? ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମକର ରାଶିରେ ଶନି, ମକରରେ ରହିବେ ଶନି ଅଢେଇ ବର୍ଷ। ଅଢେଇ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ୟାପରେ ମକର ପରେ କୁମ୍ଭକୁ ଯିବେ ନୁହେଁ। ସେଇଠାର ଯୁଦ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳିକା ମିଛ ନୁହଁ, ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାଇଲେ ହେଲା। ତେଣୁ 2022 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 27 ମସିହା ଯାଙ୍କେ ଚାଲିବ। ମେ 27 2020 ଯାକେ ଶନି ରହିଥିବେ ମୀନ ରାଶିରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଏକାଳରେ ହେ ଘଟିବ ସକଳ କଥା ହେଳେ ହେ। ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ବୈଶାଖ ମାସ ହେଇଥିବ। ଏ ବୈଶାଖ ମସିହା ଗଲା, ମାସ ହଉଛି ବୈଶାଖ। ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ଆଉ ସେ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବିହାରୀ ରୂପବନ୍ତ ହେଇଥିବେ। 39 ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ, ସେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଅନୁକୂଳ ହେ ଅଣାୟତ ହେବେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ କୂଳ ହେ। ଅଣାୟତ ସବୁ ମ୍ଳେଚ୍ଛ କୂଳ ପାପୀ ମାନେ ଅଣାୟତ ହେଇଯିବେ, ଆୟତ ରହିନଥିବେ। ଦରକି ଥିବୁ 13 କୁ 14 15 ଲାଗିବ ହୁନ୍ଦର, ସତ ଉପୁଜିବ 17 କୁ 18 19 ସରୁ ସରୁ ଥୋକାଏ ବଞ୍ଚିବେ ମରୁ ମରୁ, ଥୋକାଏ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଭଳି ହବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ନା, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛୁ, ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।